कोई नया विवाद नहीं पैदा किया है। जो भी मैंने कहा है वो सब 100% मीडिया में कहा गया है एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। मैंने सिर्फ उनको सीक्वेंशियली एक नैरेटिव में बना दिया है, जिससे कि जो मेरे खिलाफ 4 साल तक इन्वेस्टिगेशंस और रेड्स हुई, मैं उनका बैकग्राउंड लोगों को समझा दूं। मैं उसको पहले नहीं कर सकता था क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी। जब इलेक्शन होने वाला था उसके पहले मैं भारी बीमार पड़ गया और 3 महीने तक बीमार रहा, तो मैंने किताब को लिखना शुरू किया जुलाई 2014 में, और जैसे ही मैंने किताब खत्म की मार्च में, तो मैंने अमेजॉन पे पब्लिश कर दी। पूरी किताब तब भी नहीं पब्लिश कर पाया मैं, तो मैंने दूसरा पार्ट 15 दिन पहले पब्लिश कर दिया। आज तो जो आया है वो कोई टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई बहुत ब्राइट जर्नलिस्ट था जिसने किताब को अमेजॉन पे पढ़ लिया, और उसने जो पीस लिखा है वो किताब के सिर्फ एक्सेप्ट हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर कोई भी इसको समझना चाहता है तो वो किताब पढ़े, क्योंकि बहुत केयरफुली सारे डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, सारे नियम बताए हैं, सारे सब नियम बताए हैं, और फिर मैंने किताब लिखी एज ए ब्यूरोक्रेट, और मैं वही रहना चाहता हूं। मैं ये टीवी डिबेट्स में या मीडिया डिबेट्स में मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं। मेरा केस तो बात का है, उसके पहले मारन साहब ने कहा था कि जो ये जो निर्णय है स्पेक्ट्रम प्राइसेस का, जो ईगॉम ने लेना है वो मैं लूंगा, मैं डिपार्टमेंट में हूं, और वही उन्होंने मुझे कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर टेलीकॉम हूं, प्राइम मिनिस्टर का कोई लेना देना नहीं है, और आप ऐसा करिए। मैंने कहा साहब वो मैं नहीं कर सकता हूं, नियम के विरुद्ध है और बहुत बड़ा स्कैम होगा, सब लोग फंस जाएंगे, वो मैं नहीं कर सकता हूं, उनका नहीं करेंगे तो आप प्रॉब्लम में हो जाएंगे। मैंने कहा हो जाऊंगा तो हो जाऊंगा। प्राइम मिनिस्टर जब मैं मिला, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया था, तो उन्होंने कहा कि आप मिनिस्टर की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, मिनिस्टर मना कर रहे हैं और आप करेंगे तो यू कैन गेट इनटू अ प्रॉब्लम। मैंने कहा जो होगा सो होगा।